हेलो स्टूडेंट वेलकम इन अकाउंट मित्रा लेट्स मेक अकाउंट इजी एंड स्कोर फुल मार्क्स आप सभी को क्लास एलेवंथ प्रमोट कर क्लास ट्वेल्थ में आने की बहुत बहुत बधाई आज क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सभी समझेंगे सबसे पहले हम लोग एक क्लास इलेवंथ का रिकैप ले लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने क्लास इलेवेंथ में पढ़ी थी जो क्लास इलेवंथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की और बैलेंस शीट बनाने की ये हमारी क्लास इलेवेंथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी पर क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर में तो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब यहां हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे ये तो वो ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके अंदर प्रॉफिट नहीं होता नॉट फॉर प्रॉफिट है चलिए पहले समझते हैं हम लोग ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजन कौन सी होती हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजन जैसे कि नाम बता रहा है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई हैं तो इन ऑर्गेनाइजन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं चैरिटेबल हेल्थ केयर को प्रमोट करना एजुकेशन को प्रमोट करना रिलीजन को प्रमोट करना या और दूसरे पब्लिक वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना पर इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल रिलीजियस प्लेसेस या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस इसके एग्जाम्पल्स हैं अब हम लोग जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं कैरेक्टरिस्टिक जो पहला कैरेक्टर सिख है इसका वो एंटिटी को लेकर है नॉट फॉर प्रॉफिट में जो एंटिटी रहती है ये इसकी एंटिटी इसको प्रमोट करने वाले लोगों से डिफरेंट होती है या हम ये कह सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स क्या कह सकते हैं हम लोग इसे सेपरेट लीगल एंटिटी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका पर्पस ये ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी के लिए रिलीजियस के लिए हेल्थ केयर के लिए एजुकेशन और अदर सिमिलर ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इन का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऑनरशिप के लिए हम जानते हैं कि इसकी ऑनरशिप में अब जानते हैं कि इसकी ऑनरशिप किस तरह की होती है हमने देखा इसमें सेपरेट लीगल ऑनटिटी होती है तो इसकी ऑनरशिप जो होती है वो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की नहीं होती बल्कि एक सोसाइटी की ओनरशिप होती है सोसाइटी ओनरशिप। इसका जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक भी है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि चैरिटी कल्चर स्पोर्ट्स हेल्थ केयर इनको प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं पर जब ये ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं तो इनके पास फंड्स आते भी हैं और इसके खर्चे भी होते हैं जब पैसे आते हैं और खर्चे होते हैं तो इसके पास कुछ प्रॉफिट भी बच जाता है पर हम उसे प्रॉफिट नहीं कहते उसे सरप्लस कहते हैं और वह सरप्लस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में ही इस्तेमाल होता है उसी में ही यूज किया जाता है इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इन को मैनेज कौन करता है इन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी मैनेज करती है यह ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हैं फंड्स जब ये ऑर्गेनाइजन रन करती हैं तो जरूरी है कि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेश प्रॉफिट के लिए तो होती नहीं है तो इसमें फंड्स किस तरह के आते हैं और ये ऑर्गेनाइजेश कैसे पैसे को इस्तेमाल करती है इस फंड्स तो आते हैं वो मेंबर्स की मेंबरशिप के हिसाब से आते हैं सब्सक्रिप्शन आती हैं डोनेशन आती हैं, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी होती है और जनरल पर्पस के लिए भी होती हैं। लोन आते हैं गवर्नमेंट से ग्रांट्स आते हैं जो इसके फंड्स बनाते हैं इसके अंदर कुछ कैपिटल नहीं होता बल्कि हम यहां कैपिटल फंड्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं कैपिटल की जगह अब हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए तो नहीं होती तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनता जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता तो इसमें किस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी जाती हैं क्योंकि जहां पैसे का लेन देन होता है वहां अकाउंट्स तो पूरे के पूरे बनते हैं हम इसमें तीन तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो बनती है रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो दूसरी स्टेटमेंट हम लोग इसमें बनाते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बनाते हैं तीसरी स्टेटमेंट जो होती है वो बैलेंस शीट होती है अब हम जानेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में इस ऑर्गेनाइजेशन के कौन से फंड्स, कौन से इनकम या खर्चे इसमें आते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंड पेमेंट के बारे में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं जो एक तरह की कैश स्टेटमेंट है इसमें जितना भी कैश जितना भी पैसा कैश में या बैंक बैंक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है वो सब हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखते हैं और जितना भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन खर्च करती है अपने पर्पज के लिए जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो हम सारा पेमेंट्स के अंदर जना डालते हैं तो कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने रखता हूं कि रिसिप्ट में हम लोग क्या क्या अकाउंट हेड लेते हैं और पेमेंट में कौन से अकाउंट हेड लेते हैं ध्यान रखिएगा इसमें डेबिट साइड में रिसिप्ट आती हैं। क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं क्योंकि ये एक कैश स्टेटमेंट है तो इसकी जो अकाउंटिंग रखी जाती है वो भी कैश बेसिस के ऊपर रखी जाती है रिसिप्ट में हम शुरुआत करते हैं कैश और बैंक से जो साल के शुरुआत में ईयर के शुरुआत में हमारे पास बैलेंसेस होते हैं वो हम लोग यहां पे लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन कैश बैंक अगर हमारे पास ओवर अकाउंट है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं कैश का तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता इसलिए कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा बैंक बैलेंस हम लोग यहां ले सकते हैं इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं तो अधिकतर कैश और बैंक बैलेंसेस रिसीव साइड के हमेशा डेबिट तरफ ही आते हैं अब हम लोग देखें इनमें पैसे हमारे पास कहां से आते हैं हमारे पास इसके अंदर पैसे आते हैं सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस से क्योंकि इसकी अकाउंटिंग कैश बेसिस के ऊपर होती है तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के जो भी पैसे हमें मिले होते हैं उस साल के अंदर जो इस साल में हमें चाहे वो प्रीवियस ईयर के पैसे मिले हो, चाहे करंट ईयर के पैसे मिले हो, चाहे नेक्स्ट ईयर के पैसे मिले हो, सब्सक्रिप्शन या बेफिसिट की फीस के वो हम लोग इसकी रिसिप्ट साइड में जरा लिखते हैं दूसरा हम लोग ले सकते हैं डोनेशन मैंने बताया डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकती है मतलब डोनेशन किसी खास पर्पज के लिए अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की डोनेशन हो सकती है बिल्डिंग फंड बनाने की डोनेशन हो सकती है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होती है जो यहां पे हम लोग लिखते हैं दूसरी हमारी हो गई जनरल डोनेशन ये हमारे रिसिप्ट जो हम लोग इसको रिसिप्ट साइट के ऊपर लिखते हैं इसके अलावा जो इसके अंदर पैसे आते हैं वो हमारे पास एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस के थ्रू आ सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू आ सकते हैं या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या कोई भी दूसरे पर्पज जिससे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पैसे आए हैं वो हम सब पैसे यहां लिखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि पेमेंट किस तरह की पेमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन करती हैं ये ऑर्गेनाइजेश पेमेंट कर सकती हैं सैलरी की जो इस ऑर्गेनाइज को चलाने के अंदर इंप्लाइज हैं उनकी सैलरी की पेमेंट की रेंट की पेमेंट की अगर ऑर्गेनाइज ने बिल्डिंग रेंट के ऊपर ले रखी है तो रेंट की पेमेंट की इंटरेस्ट की पेमेंट की बैंक से कोई लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट की पेमेंट की हो उसके लिए रिपेयर के लिए ऑडिट फीस के लिए लोन रिपेमेंट हो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लगाया हो मतलब कि बिना यह देखे कि यह हमारा इनकम है एक्सपेंस है अगर हमने कोई पेमेंट पेमेंट मतलब वो चीज जो हमारे कैश बैलेंस को या बैंक बैलेंस को कम कर रही है तो वो सारी पेमेंट्स वो सारी पेमेंट्स हमने क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में अकाउंट फॉर करनी है इन की और इसके बाद ये सारे पैसे जरा लिखने के बाद जो बैलेंस बचेगा भाई बैलेंस जो ईयर एंड के ऊपर हमारा कैश और बैंक का बैलेंस बचेगा वो हम लोग यहां लास्ट में कैश और बैंक बैलेंस हम लोग यहां लास्ट में लिख देते हैं और फिर से बैंक ओवर के केस के अंदर वो बैलेंस हमारा डेबिट साइड में आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में तो हमने इस चीज को सबसे पहले जरा ध्यान में देना है कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट की स्टेटमेंट है जो पैसा रिसिप्ट आया वो हमें डेबिट साइड में लिखना है जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन से खर्च किया वो हमें पेमेंट साइड में लिखना है और ये जो पैसा लिखना है वो कैश बेसिस के ऊपर अकाउंट करना है अक्रूवल बेसिस पे नहीं मतलब कि साल के अंदर जितना पैसा हमारे पास आया और साल में जितना पैसा हमने दिया मे बी हमने ग्यारह महीने की ही तनख्वाह दी हो ग्यारह महीने की सैलरी पे की हो तो जितनी सैलरी पे की है उतना पैसा ही हमने इसमें लिखना है बारह महीने के पैसे जना नहीं लिखने हैं ये हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट की स्टेटमेंट है जो दूसरी स्टेटमेंट इसके अंदर है वो इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट की है उनको हम लोग अपने अलग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक्स